नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं सवाजपुर तहसील के अर्जुनपुर गांव में, जहां पर पुल की बहुत बड़ी समस्या है। कई वर्षों से पुल की मांग चली चली आ रही है, लेकिन यहां पर पुल ना होने की वजह से कई लोग का जीवन यापन अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग नाव पर चढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, और मैं इस समय नाव पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर कई लोग अपना मोटरसाइकिल और कई वाहन सामग्री सामान इधर गांव से उधर गांव जाने के लिए आते हैं। यहाँ पर सिर्फ दो नाव हैं, और यहाँ पर पुल ना होने की वजह से समस्या बहुत दिनों से आ रही है। हम किसी स्थानीय व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, आप कहाँ के हैं? यह हरपालपुर से। हरपालपुर के जी। यहाँ पे पुल ना होने की वजह से क्या समस्या आती है? सामने देख रहे हो, कम से कम 50 आदमी 100 आदमी खड़ा है, ठीक है? आप ही देख लो, समझे भैया? यानी जो आम रोड पे जितनी पब्लिक नहीं चलती, उतनी इस रोड पे चलती है नाव के माध्यम से। ये आवश्यकता तो है ये पुल की। ये पेंटून पुल तैयार हो रहा है, इससे कितना लाभ हो जाएगा? लाभ तो होगा, लेकिन कितने दिन के लिए? 2 महीने 3 महीने के लिए, ठीक है? जितना लगने में लगता है, जितने दिन से बनता चला रहा, आधा पुल आधा दिन में कम्प्लीट हो जाता जो इतने आ रहा। अरे, पुल बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ दूसरे रास्ते से एक दूसरी नाव जा रही है, उस पर बाइक सवार लोग जा रहे हैं। वो फरखाबाद साइड से आते हैं, फरखाबाद के लगे का गांव है ये। और कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे, बताइए जरा दादा, बता दादा कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? आप कहाँ से आए हैं? शामपुर से। कहाँ जा रहे हैं? शामपुर पंजा है ना गांव में, शामपुर पंजा जिला हरदोई। क्या समस्या आती है आपको? समस्या है, पुल की आती है, पुल की आ रही है। पब्लिक को भी देख रहे हो, कितने पब्लिक को दिक्कत हो रही है। पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उबैद खान। उबैद, बताइए क्या क्या आपको देख रहे हो? सवाजपुर तहसील का ये गांव है अर्जुनपुर, जहां कई वर्षों से समस्या आ रही है। वाकई में हम लोगों ने यहां पर स्थानीय लोगों से बात की, और यहां पर जब देखा आगे कि वाकई में यहाँ पर कई गाँव को ये रूट जोड़ता है, और यहाँ पर समस्याएं तो क्रिएट हो ही रही हैं, और लोग वाकई में काफ़ी परेशान हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुल बनना चाहिए, और काफ़ी अभी एक जो आत्मसंतुष्ट और किसान यूनियन का एक प्रदर्शन चल रहा था, उसमें उन्होंने दिवाली ना मनाने की का प्रण किया, और कहा कि हम जब तक दिवाली नहीं मनाएंगे कि पुल नहीं बन जाता है। बाकी उन लोगों ने नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ भी किया, अभी हम लोग देख रहे थे। वाकई में यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और शासन से स्थानीय लोगों की मांग है कि इस पुल को बनाया जाना चाहिए। बाकी एक बार यहाँ के जो उत्तर प्रदेश शासन के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, उन्होंने भी इस अर्जुनपुर पुल को बनवाने के लिए कहा था कि हम इसे जल्द से जल्द बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्थित है वो यथास्थित ही नज़र आ रही है। और एक पेंटून पुल जो बनाया जा रहा है, वो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई मायने नहीं रखता, ये एक दो महीने बस ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, बाकी इस पुल की कोई वो ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ में एक स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है और क्या समस्याएँ क्रिएट हो रही हैं। जी, यहाँ की समस्या बहुत कठिन है। अर्जुनपुर का पुल बहुत ज़रूरी बनना है। अच्छा, चुनाव में जो नेता आते हैं वो आपसे वादा करते हैं पुल के लिए? जो हमारे यहाँ जो नेता बन जाते हैं वो वादा करके पीछे हट जाते हैं, कोई पुल की कोई जानकारी नहीं लेते हैं। हमारा अर्जुनपुर का पुल बहुत जरूरी बनना चाहिए, नहीं तो बहुत आम तौर पब्लिक डूब के मर रही है, मगर जनता को बहुत परेशान है। मगर अर्जुनपुर शासन से क्या मांगे आपकी? अर्जुनपुर का पुल मांगा जा रहा है। ठीक है, मास्टर साहब है जो कुछ कहना चाहते हैं, अभी हम इनसे हमारे सहयोगी आमिर खान जी ने बात भी की थी। भैया, इस पुल के बनने से 30 किलोमीटर रूट कम हो जाता है, आप समझ लिया, फरुखाबाद का जो हरदोई हरपालपुर 30 से 35 किलोमीटर कम हो जाता है। ये पुल कितने गाँव को लगभग जोड़ता है? ये कम से कम 60-70 गाँव को जोड़ता है। जी, जैसा कि मास्टर साहब ने बताया कि ये पुल जो है करीब 60-70 गांव को जोड़ता है, और यहाँ से फरखाबाद की दूरी करीब 35 किलोमीटर कम हो जाती है। वाकई में ये बहुत ज़रूरी ये पुल बनना चाहिए, और वाकई हमारी भी इस चैनल के माध्यम से शासन से मांग है कि वाकई में इन लोगों की परेशानी को देखते हुए इस पुल को बनाया जाना चाहिए। और 60-70 गाँव करीब
हम करीब करीब के करीब 2 लाख आदमियों का, कम से कम 2 लाख आदमियों का इस रास्ते से राह गुजर होगा और लोग कितना परेशानी उठाते होंगे। हम यही मांग करना चाहते हैं शासन से कि ये पुल जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हज़ारों लोग की भीड़ है और वो लोग यहाँ पे दिवाली अपना अपने घर पर नहीं मना रहे हैं, अपने घर छोड़कर यहाँ पुल की मांग को लेकर अपने दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि आज प्रकाश का पर्व है लेकिन उन लोग के घर में अंधेरा पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके घर के लोग यहाँ पर पुल न होने की वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं। हम लोग की भी यही मांग है कि यहाँ पर पुल बन जाना चाहिए और लोगों को समस्या का समाधान भी हो जाए। आमिर खान, हरदोई।